वाले गाइस बात करते हैं उस डेब्यू के बारे में जो कि आज AEW डायनामाइट के एपिसोड पर होता है। और गाइस टोनी स्टॉर्म जिनको रिसेंटली WWE कंपनी मतलब वो चली गई थी कंपनी से, अब गाइस उन्होंने ज्वाइन कर लिया है AEW को, यानी वो भी उस लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं जो WWE से निकलने के बाद AEW के अंदर जा रहे हैं। तो ओवन हार्ट फाउंडेशन जो विमेंस टूर्नामेंट था उसके अंदर बनी को चैलेंज करने के लिए टोनी स्टॉर्म आती है, एंड ऑब्वियसली उनका डेब्यू था तो मैच में उनको विक्ट्री मिल गई और जो रिएक्शन था ना वो भी काफी अच्छा मिला था उनको डायनामाइट के एपिसोड में। इवन सोशल मीडिया के ऊपर भी फैंस का रिएक्शन और अटेंशन जो थी वो टोनी स्टॉर्म के ऊपर थी, और बनती भी है क्योंकि WWE से कोई सुपरस्टार अगर छोड़कर जा रहा है ना, कोई सा भी जाए भाई, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, उसको रिएक्शन वहां पर मिलना होता ही है। तो ये चीज जो है टोनी स्टॉर्म के साथ हुई, तो टोनी स्टॉर्म इज नाउ ऑल एलीट। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और पॉल हेमन के पर्सपेक्टिव से जरा सोचते हैं कि कोडी रोड्स ने AEW कंपनी को क्यों छोड़ा है। अब हमारे कलाकार आदमी है पॉल हेमन, उनसे बढ़िया हमको चीजें कौन डीकोड करके बता सकता है। तो पॉल हेमन ने यहां पर कहा कि देखो मुझे ऐसा लगता है, मैंने कोडी रोड्स की तरफ से बात सुनी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कोडी रोड्स ने जब AEW को ज्वाइन किया था तो जो विजन के साथ उन्होंने ज्वाइन किया था, जैसे वो क्रिएटिव प्रोसेस में ज्यादा रोल लेते थे, शायद अब वो चीज उनको नहीं मिल रही थी AEW के अंदर, और जो इनिशियल थॉट के साथ उन्होंने AEW को ज्वाइन किया था ना वो पर्पस अब उनका रहा नहीं। और जब उनका वो पर्पस रहा नहीं तो भले ही उन्होंने AEW से ये कहा हो कि मैं लास्ट तक मरते दम तक इसी कंपनी में रहूंगा, तो जब उनका वो विजन ही एंड हो गया तो फिर इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं था। मेरे हिसाब से यही रीजन मुझे लगता है कि कोडी रोड्स ने क्यों WWE कंपनी को छोड़ा है। हालांकि पॉल हेमन ने यहां पर AEW कंपनी को छोड़ा है, हालांकि पॉल हेमन ने यहां पर ये नहीं कहा कि वो WWE के अंदर आ रहे हैं, लेकिन जब उनसे इंटरव्यू के अंदर सवाल पूछा कि भाई कोडी रोड्स तो चले गए AEW से, तो ये कुछ पॉल हेमन का कहना था। ये सरप्राइजिंग है पता है, क्योंकि कोडी रोड्स ने भी इंटरव्यू के अंदर इस बात को कहा था कि वो AEW कंपनी के लिए तन मन धन से लगे रहेंगे, बट वो चीज ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाई। स्पेकुलेशन ये भी है कि टोनी खान और कोडी रोड्स के बीच में कोई प्रॉब्लम भी थी, हालांकि मुझे लगता नहीं है क्योंकि अच्छी टर्म्स के ऊपर ही शायद उन्होंने AEW को छोड़ा हुआ है। बहुत जल्दी उनकी जो डेस्टिनेशन है वो कौन सी कंपनी होने वाली है अभी उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन गाइस हम लोग बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में जो कि आए थे जिमी फैलन के शो के ऊपर, और यहां पर उन्होंने ना सिर्फ रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर खुद के मैच के बारे में बात करी बल्कि ट्रिपल एच के बारे में उन्होंने कुछ कमेंट किया। उन्होंने कहा देखो तुमको ट्रिपल एच जितना अच्छा टेलीविजन के ऊपर लगता है ना उससे अच्छा वो रियल लाइफ में है, ना सिर्फ वो रिंग के अंदर बल्कि रिंग के बाहर भी वो कमाल करता है। आज अगर मैं जिस जगह पर हूं तो अगर मेरे टाइम में शुरुआती टाइम में ट्रिपल एच मेरे साथ नहीं होता तो मेरे को काफी ज्यादा जो दिक्कत है वो फेस करनी पड़ती। मतलब रोमन रेंस के अंदर जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम किया ना वो ट्रिपल एच ने किया, तो इस तरीके से उन्होंने ट्रिपल एच की काफी तारीफें करी और उन्होंने बात भी करी कि कैसे ये अनफॉर्चुनेट है ट्रिपल एच का रिटायर हो जाना। फिर उन्होंने ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करी और कहा यार ब्रॉक लेसनर के साथ मेरा जो चैप्टर है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, अब मैं इस चीज को फाइनली खत्म करना चाहता हूं और मैं इससे मूव ऑन करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो कहानी है वो काफी लंबे टाइम से आ चुकी है, मैं अपने आप को सॉलिडिफाई जो है उन्होंने कहा ग्रेटेस्ट मॉडर्न डे चैंपियन करने के बारे में उन्होंने बात करी और कहा भाई ये बहुत चुल हो गई ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का, मुझे इससे छुटकारा पाके आगे बढ़ना है। मतलब रोमन रेंस खुद परेशान हो चुके हैं ब्रॉक लेसनर से लड़ लड़ के, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू के अंदर कहा। वैसे अगर ऐसा कुछ है और अगर सोचो ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को हरा देते हैं तो फिर शायद रोमन रेंस का वाला चैप्टर अभी भी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि रोमन रेंस के लिए चैप्टर तभी एंड होगा जब वो ब्रॉक लेसनर को हराएंगे, और रेसलमेनिया में होने के चांसेस तो वैसे इसके लग रहे हैं। बाकी अभी रेसलमेनिया के ऑड्स के बारे में तो हम बात करेंगे जहां पर इसके बारे में और अच्छे से बात करेंगे, लेकिन असली अखाड़ा का न्यू एपिसोड पॉडकास्ट का आ चुका है, डिस्क्रिप्शन जाके सुनना भाई, रेसलमेनिया को लेकर आप लोग पूरे हाइप में आ जाने वाले हो, सारे मैचेस के बारे में एकदम अच्छे से बात करी हुई है, थोड़ा लंबा जरूर लेकिन जाके उसे सुन लेना। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ और अब बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। मैंने आपसे कहा नहीं कि सीक्रेट रखने की कोशिश है WWE विंस मैकमैन, तुमने बहुत करी बट अब वो चीज़ हो नहीं पा रही। तो गाइस कोडी रोड्स क्या आ रहे हैं रेसलमेनिया के अंदर, ये बात अब आप लोग मान सकते हो चुकी है कंफर्म। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि रेसलमेनिया का जो होटल है जहां पर फैंस आए थे, जो अभी आपको पता काफी सारे जो सुपरस्टार्स हैं वहां पर स्टे करते हैं, इवन WWE के पैकेजेस भी होते हैं, तो वहां पर जो फैंस हैं उन्होंने कोडी रोड्स को स्पॉट किया। ऐसे वैसे स्पॉट नहीं किया कि भैया कोडी रोड्स खुले में घूम रहे थे, बल्कि वहां पर हुडी पहन के अपने आप को पूरी तरीके से कवर करके कोडी रोड्स से, अभी पास आपको दिखाने के लिए पिक्चर नहीं होती तो आपको जरूर दिखाता, लेकिन फैंस भी बड़े चालाक थे क्योंकि कोडी रोड्स की नेक पर एक टैटू है, तो उस टैटू से जो है फैंस ने कोडी रोड्स को स्पॉट कर लिया और रेसलमेनिया होटल में ही कोडी रोड्स रुके हुए हैं। तो अब यहां पर क्या दिमाग में कोई शंका कोई डाउट बचता है कि कोडी रोड्स नहीं आने वाले रेसलमेनिया 38 के अंदर, एंड ऑब्वियसली अगर वो आ रहे हैं तो फिर आपको पता ही है सेथ रॉलिंस ही वो सुपरस्टार होने वाले। अभी सुबह वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी चैनल के ऊपर, वैसे दिन वाली बोलना चाहिए, वहां पर मैंने आपको बताया था कि कैसे सेथ रॉलिंस फैंस को कितना ज्यादा गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वीर महान हो सकते हैं, वो शेन मैकमैन हो सकते हैं, वो मुस्तफा अली हो सकते हैं, बट कोडी रोड्स को होटल में स्पॉट कर ले गया है, तो आप लोग मान सकते हो कि भैया अब रेसलमेनिया का हमको वेट करना है, एंड डिसअपॉइंटमेंट नहीं होने वाली हमारे लिए, सेथ रॉलिंस के अपोनेंट कोडी रोड्स ही होंगे। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, बात करते हैं रेसलमेनिया 38 के स्टेज के बारे में। तो अभी मैंने आपको
इससे पहले बताया था कि रेसलमेनिया के स्टेज का क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसे ऊपर बड़े बड़े से स्क्रीन वगैरह होंगी, स्टार वगैरह होंगे, एक बड़ी वीडियो वॉल होगी। तो गाइज अब आप लोग उसकी पिक्चर भी देख सकते हो यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर, जहां पर आप लोग देख सकते हो कंस्ट्रक्शन का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और जो रिंग वाला एरिया है ये वही है, इसके आसपास आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी जो दो स्टार है वो WWE ने लगा भी दिए, आई थिंक ये चार होने वाले हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो, यहाँ पर ये स्टार आपको देखने को मिलेंगे। और क्योंकि आपको पता रेसलमेनिया का जो लोगो है उसमें भी ऐसे वो स्टार स्टार बने हुए हैं ना, तो उसी वाली थीम के साथ WWE जा रही है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर एंट्रेंस वाली साइड पर देखो तो बड़ी सी हमको ये शायद ये वॉल ही है, मतलब जो वीडियो वॉल है वही दिखाई दे रही है। तो कुछ ऐसा यहाँ पर स्टेज है, अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में लग रहा है, ज्यादा देख के इससे कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन मैंने आपको बताया था कि थर्सडे को WWE अपना जो स्टेज है उसको रिवील करने वाली है। थर्सडे मतलब हमारे लिए तो आज हो गया, लेकिन आपको पता USA के हिसाब से एक दिन वो पीछे चलता है, तो शायद कल WWE इसको रिवील भी कर देगी। बट अगर ये अभी की बिल्कुल लेटेस्ट फोटो है तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि भाई ऐसे कौन से वहां पर कारीगर लगे हुए हैं जो एकदम से इतना तगड़ा जो स्टेज है उसको खड़ा कर देंगे। बट ये फिलहाल जो पहली पिक्चर रेसलमेनिया स्टेज की वो सामने आई है। क्या आपके इसके ऊपर रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और इस बार यार WWE हमारे साथ ही गेम खेल गई। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैं आपको बताया था कि WWE ने ब्रॉक लेसनर की डबल चैंपियन बनने वाली फोटो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाली है, और वो ये कहते हैं कि क्या ये आने वाले टाइम में फ्यूचर होने वाला है। अब उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि अगर WWE ब्रॉक लेसनर को ये दिखा रही है तो इसका मतलब ये बात तो गारंटी होगी कि ब्रॉक लेसनर वो सुपरस्टार नहीं होने वाले जो कि जीतेंगे, क्योंकि WWE जो दिखाती है वो सिर्फ इसलिए दिखाते कि हमारा ध्यान उसकी तरफ जाए, जबकि एक्चुअल में उनका कुछ और ही प्लान होता है। बट अब WWE ने क्या किया बोलूं क्या, आप लोग इस वाली पिक्चर को देख सकते हो। रोमन रेंज की भी सेम पिक्चर WWE ने पोस्ट करी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, यहां पर उन्होंने लिखा है विल रोमन रेंज बी लेफ्ट होल्डिंग बोथ द यूनिवर्सल एंड WWE चैंपियनशिप्स आफ्टर रेसलमेनिया। यानी ब्रॉक लेसनर को टीज करने के साथ साथ रोमन रेंज को भी इस बार WWE ने टीज कर दिया, क्योंकि यूजुअली हमको पता है फैंस पहले मान लेते हैं अगर इस बंदे को WWE दिखा रहे हैं ना चैंपियन तो इसका मतलब ये तो बनने नहीं वाला। अब WWE को लगा यार ऐसे तो फैंस को पता चल जाएगा शायद, तो रोमन रेंज की फोटो भी डाल दी। भाई अब कर लो प्रेडिक्ट तुमको क्या करना है, अब स्पेकुलेट कर लो तुम्हें क्या करना है। इस बार गेम अच्छा खेल रही है वैसे WWE, अब बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच मेन इवेंट ऑफ ऑल टाइम WWE से कह रही है, तो गेम खेलना तो यहां पर बनता ही है। बाकी आप क्या कहोगे, दोनों की पोस्ट कर दी WWE ने, अब क्या ही कह सकते हैं यहां पर। हालांकि अगर आप लोग इसके कमेंट सेक्शन देखो ना तो जैसे ब्रॉक लेसनर उसमें कह रहे थे ना कि अब तो ब्रॉक जीतेगा ही नहीं क्योंकि ब्रॉक की पोस्ट डाल दी, यहां पर फैंस ऐसा नहीं कह रहे, फैंस कह रहे हां भैया हमें तो पता है रोमन रेंज जीतेगा। तो इस बार फैंस ने भी थोड़ी सी पलटी मार ली है जब WWE ने इस वाले पिक्चर को पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। अच्छा फाइनल स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं जो कि रेसलमेनिया 38 के बैटिंग ऑड्स, और सारे के सारे मैचेस में आपको ऑड्स बताने वाला हूं। जल्दी जल्दी बात करते हैं रेसलमेनिया की नाइट वन के बारे में, जहां पर बियांका बेलेयर और बेकी लिंच का मैच है। तो यहां पर बियांका बेलेयर हैवीली फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए, मक्खी भी यहाँ पर कैमियो कर रही है। यहाँ पर जो बियांका बेलेयर है वो मैच को जीतने वाली है। स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के मैच में जो रोंडा राउजी है उनका दबदबा है शार्लेट फ्लेयर के सामने की वो इस मैच को जीतेंगी। इसके बाद स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप के मैच में जो कि ऊसोज और शिंसुके नाकामुरा रिक बुक्स वाला होने वाला है, यहाँ पर ऊसोज है फेवरेट की वो इस मैच में अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। इंटरेस्टिंग मैच एजेस स्टाइल्स वर्सेस एज, अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूं कि सोच के बताओ वीडियो पॉज करके और कमेंट करो कि आपको क्या लगता है इस मैच में कौन होगा फेवरेट, आई थिंक पॉज करके अपने आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो यहाँ पर जो हैं वो फेवर करते हैं एजेस स्टाइल्स को कि इस मैच में वो एज को हराने वाले हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा मेरे ख्याल से। ये काफी अनप्रेडिक्टेबल मैच है वैसे रेसलमेनिया का। इसके बाद सेथ रॉलिंस वर्सेस मिस्ट्री अपोनेंट में, जो कि अभी मिस्ट्री अपोनेंट ही है, इसके ऑड्स भी रिवील हो गए हैं, और भाई साहब कुछ आगे ही ज्यादा निकला हुआ है मिस्ट्री ओपोनेंट, क्योंकि उनके ऑड्स काफी ज्यादा हैं जीतने के अगेंस्ट सेथ रॉलिंस। यानी अभी वो अब बंदा भी रिवील नहीं हुआ लेकिन ऑलरेडी वो ऑड्स में आगे चल रहा है। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से जैसे मैंने अभी आपको बताया कोडी रोड्स वो सुपरस्टार हैं, तो इसलिए अगर कोडी रोड्स हैं वो बंदे तो फिर ऑब्वियसली इस मैच में उनका जो है जीतने का पूरा चांस है, ऐसा हमको बैटिंग ऑड्स बताते हैं। एक स्टोन कोल्ड और जो केविन ओवंस का सेगमेंट होने वाला है इसके भी ऑड्स आए कि पहले स्टनर कौन लगाएगा, इस बात के ऑड्स इस बार जो है रिवील हुए, और अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑड्स स्टोन कोल्ड का पहले चांस है स्टनर लगाने का। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑड निकला है इस बार रेसलमेनिया के लिए। सिंगल्स मैच ड्रू मैकइंटायर हैप्पी कॉर्बिन, बताने की जरूरत नहीं है ड्रू मैकइंटायर यहां पर क्लियरली फेवरेट है। टैग टीम मैच डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो वर्सेस लोगन पॉल एंड द मेज, यहां पर जो फेवरेट है वो टीम किसी की नहीं है एक्चुअली, वो दोनों बराबर ही है, दोनों ही टीम यहां पर एकदम बराबर पोजीशन पर है कि कोई भी जीत सकता हो इसमें, तो बैटिंग ऑर्ड्स भी कंफ्यूज है। इसके अलावा शेमस एंड रिज हॉलैंड वर्सेस न्यू डे का जो मैच है वहां पर शेमस एंड रिज हॉलैंड फेवरेट है। तो ये हो गई नाइट वन। नाइट टू की बात करें तो रॉ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए आरके ब्रो स्ट्रीट प्रॉफिट्स और अल्फा एकेडमी के सामने आगे हैं कि वो इस मैच के अंदर जीतेंगे। इसके बाद जो मैच है वो है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, यहां पर नेओमी एंड साशा बैंक्स जीतेंगे ऐसा कहना है बैटिंग ऑड्स का। ओमस और बॉबी लैशली के मैच में
कुछ ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है भाई बैटिंग ऑर्ड्स का। भले ही ओमस यहाँ पर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा जीत रहे हो। यहाँ पर थोड़े मार्जिन से ओमस आ गए कि इस मैच में बॉबी लैशली को हरा देंगे। हालांकि स्टिल मुझे लगता है कि इस मैच के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। इसके अलावा पैट मैकेफी और ऑस्टिन थ्योरी के मैच में सरप्राइजिंगली पैट मैकेफी आ गए हैं, मतलब ऑस्टिन थ्योरी जो कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बड़ा फ्यूचर है, अभी बैटिंग ऑर्ड्स के अकॉर्डिंग तो वो मैच नहीं जीतने वाले। इसके अलावा जॉनी नॉक्सविल और सैमी ज़ेन के मैच में, अगेन सैमी ज़ेन फेवरेट नहीं है, जॉनी नॉक्सविल यहाँ पर फेवरेट है। और बात करें सबसे बड़े मैच की जो कि है रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का टाइटल यूनिफिकेशन वाला मैच, यहाँ पर रोमन रेंस से करंटली फेवरेट। तो ये समय जो है करंट बैटिंग ऑर्ड्स, अभी फाइनल बैटिंग ऑर्ड्स भी आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए यही वो ऑर्ड्स हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन यार असली अखाड़ा का नया एपिसोड सुन लेना, मजा ही आएगा आपको, इसलिए मैं हर बार कह रहा हूँ। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को आप लोग ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।